उस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को सिंचन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे मात्सुजाका मैम बाहर की तरफ को देख रही होती है और सारे बच्चे भी देख रहे होते हैं कि बारिश हो रही है और उनके पीछे से योशिनागा मैम जाती है और योशिनागा मैम के विजन में सारे के सारे बच्चे दिख नहीं रहे होते और सिंचन कहता है योशिनागा मैम और तब जाके एकदम से उनके विजन में सारे के सारे बच्चे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और योशिनागा मैम सोच रही होती है ये आखिर यहाँ पे क्या हुआ और फिर वो थोड़ी देर में वो सभी कुछ भूल जाती है और उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि सारे बच्चे स्कूल से निकल रहे होते हैं और उनके सामने एकदम से मात्सुजाका मैम टेलीपोर्ट हो जाती है और उन्हें कहती है चलो योशिनागा मैम के घर चलते हैं और वो सभी लोग ये सब देख के काफ़ी डर जाते हैं बट वो उनके साथ चलते हैं और सिंचन को एक पॉट में एक चाबी दिखती है और उस चाबी से वो सीधा डायरेक्ट उनके घर को खोल देता है और योशिनागा मैम को लगता है कि गेट अपने आप खुला है, ना कि कोई अंदर आता हुआ उन्हें दिखता है, बस गेट खुलता हुआ दिखता है। और जब सभी लोग अंदर पहुँच जाते हैं तो फिर सिंचन कहता है होय और फिर तब जाके योशिनागा मैम के साथ वापस से वही होता है जो एपिसोड के शुरुआत में होता है और फिर उसके बाद योशिनागा मैम काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिख रही होती है। वो मात्सुजाका मैम के पीछे खड़ी हुई होती है और कसामा उनको एक बिस्किट का पैकेट देता है जिसमें से वो उस बिस्किट के पैकेट को किचन में ले जाके हर एक बिस्किट को अपनी जीभ से चाटने लग जाती है और वो उस बिस्किट्स को सर्व करती है और मात्सुजाका मैम सबसे पहला बिस्किट चाटती है और उसे अच्छे से खा लेती है और एकदम से उनके अंदर से कोई अजीब सी चीज़ निकलती है और वो देखती हैं कि सोफे पे उन्हीं के जैसी कोई दूसरी लड़की बैठी हुई है और सभी बच्चे कहते हैं आखिर मात्सुजाका मैम कहाँ गई और फिर मात्सुजाका मैम ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या तुम मेरे को नहीं देख सकते और वो कहते हैं आखिर मात्सुजाका मैम कहाँ गई और एकदम से मात्सुजाका मैम की आंखें काली पड़ जाती हैं और सभी बच्चे देखते हैं इस चीज़ को और पहले उन्हें नहीं दिख रही थी और एकदम से उन्हें दिखने लग जाती है जब उनकी आंखें काली होती है और एकदम से मात्सुजाका मैम को कोई अटैक सा पड़ता है और मात्सुजाका मैम वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब वो उठती हैं तो फिर वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है और फिर वो उठते ही न्यूज़ खोलती है और उन्हें दिखाई देता है कि उस दिन ट्यूसडे है और न्यूज़ रिपोर्टर बता रही है कि कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और यही एपिसोड एंड।